I am subject teacher of English. I am taking the class of 12. Today we have to teach lesson the gold rod. This is first lesson of the story, and the writer of this lesson is Pandit Kararati. He was born in Kerala. He is Indian poet. So in 1924, he was associated with the help of the working class. This was the main reason he has known many problems of the workers, how they face. Now we have to come on this heads, that a person should lead his life according to his capability. He should not do such kind of expenses as can disturbance his mind and family career. Here, this is a, there is a character who does more expenses than his income. This is the main reason he becomes compelled to from beginning, he become compelled to steal the gold bar. Although some persons face many problems, even that stage they do not do any kind of work which is not suitable for the society. But ordinary person cannot maintain this. And there are some parts of human character which force particular persons to do such kind of crime. Here the gold watch, Sanku is a character who has a big thing. So he has many problems. So at the last stage we have to come that a small family is a good for the good life or for the pleasurable life, because we have not any kind of many problems. So about this matter, this lesson has been written. As on many previous night, the gold watch, Sone ki ghadi. This is title. Who belongs to gold watch? It belongs to engineer. Who was the manager or owner of the factory? He was English person. The English man. So आज मैनी प्रीवियस नाइट संकू क्या करता है, कई दिन प्रयास करता है कि मैं कर्ज से मुक्ति पाऊँ, इसके लिए घड़ी चुराऊँ, लेकिन बार बार जाता है वहाँ ऑफिस में इंजीनियर के, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, वहाँ से हट जाता है बार बार कि कहीं निकालना दिया जाऊँ, क्योंकि ये सर्विस छोटी है, नौकरी छोटी है, लेकिन काम में लगे रहो, दैट इज द बेस्ट एंड सुइटेबल फॉर एवरी पर्सन एंड एवरीबडी शुड लीड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट root which is given by God. So as on many previous night, बहुत सी पूर्व रातों की तरह, संकु could not get any sleep that night. संकु उस रात भी नहीं सो सका. He was sleeping and he was disturbed at that time. He was unable to sleep. For many days he was this kind of problem that how he has to get free from his debts. So today also the same position came in mind. He was, as many previous nights, बहुत से पूर्व रातों की तरह, संगु को नाट गेट नहीं सही, संगु बिल्कुल नहीं सो पाया. That night, उस रात, he turn, वह करौटे बदलता था, टॉस उछलता था in his bed. But it was no use, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं था. The more he था, जितना ज़्यादा सोचता था, the worse he felt, उतना खराब अनुभव करता था. He closed his eyes, वह अपनी आंखें बंद कर लेता था. एंड वह अपनी आंखें बंद किए था एंड ले ऑन द टारमॉइल, और फटी चटाई पर लेटा हुआ था. दिस इज सिंबल ऑफ पॉवर्टी. ही वॉज लाइंग ऑन द अर्थ आर केरा एंड ही हैज ओनली टारमॉइल टू स्लीप. तो क्या है, ही क्लोज वह अपनी आंखें बंद किए था और लेटा हुआ था फटी चटाई पर, डार्क अंधेरे पर. एंड इट ही कुड सी, फिर भी वो देख सकता था. इट माने इसको एज क्लियरली एज ड्यूरिंग डे,
जैसे दिन के समय देखा करता था। क्या देखा करता था? द डिजर्टेड ऑफिस रूम, सुनसान ऑफिस कमरा, व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट, जब प्रत्येक आदमी आराम के लिए चला जाता था और फॉर लंच था दोपहर के भोजन के लिए चला जाया करता था। एज ए स्टूडेंट गेट फ्रीडम फ्रॉम द स्कूल दे एट वंस गो टू देयर हाउस एंड वेरी स्विफ्टली दे वांट टू गो इन द सेम वे वर्कर ऑल्सो कंप्लीटिंग वर्क दे एट वंस वॉन्टेड टू गो टू देयर होम्स आर एनी प्लेस वेयर दे कैन गेट लंच एक्सेट्रा। तो इसी प्रकार जो है वो जो क्या हो ऑफिस सुनसान हो जाया करता था। व्हेन एवरीवन हैड गॉन, जब प्रत्येक आदमी चला जाता था आराम के लिए सब भोजन के लिए दोपहर की भोजन के लिए चला जाता था। द ग्लास विंडो वाज ओनली पार्टली क्लोज, कांच की खिड़की केवल आंशिक रूप से बंद रहती थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल, मेज के कोने पर इनसाइड एक तरफ अंदर एक मेज थी ऑफिस में। वेयर ए फ्यू फैट बालूम, कुछ मोटे मोटे बालूम माने मोटी मोटी किताबें थी। बालूम माने भी ग्रंथ होते हैं, बट यहाँ मोटी किताबों से मतलब है। तो ए फ्यू माने होता है, क्या होता है? कुछ। फ्यू माने ना कुछ के बराबर, मतलब फ्यू माने ज़्यादा नहीं पर जितना उतना सा। ए फ्यू फायर बालूम, उसके पास कुछ जो है उस मेज में कुछ मोटे मोटे मोटी मोटी किताबें थी। आयर दादर इन दूसरे कोने पर एक पेन था। एन इंक बॉटल, स्याही की दवा थी। एंड सो फोर्स, इसी प्रकार की चीज़ें थी। उस समय पेन नहीं था, लोग बोर स्याही से जो है डुबो डुबो कर लिखा करते थे पेन से। एंड इन बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, अब बीच में सोने की घड़ी रखी थी। ब्रिटिश गोल्ड चेन, अपनी सोने की चेन मन जंजीर के सहित प्रेस आंदबो की किताब पर रखी रहती। इन इंक बॉटल, स्याही की बोतल थी वहाँ, इसी प्रकार चीज़ें थी। एंड बिटवीन वाज ए गोल्ड वॉच, और उसी के बीच में स्याही की बोतल और जो मोटी मोटी किताबें रखी उनके बीच में सोने की घड़ी थी, जिसकी चैन भी सोने की थी। प्रेस आंदबो की किताब कहाँ रखी थी? किताब के ऊपर रखी थी। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड, अपना हाथ बढ़ा दो। अबाउट ए फुट, एक फुट बढ़ा दिया जाए, यू कैन पिक इट अप, तो तुम इसे घड़ी को उठा सकते थे। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, प्रत्येक आदमी उस समय लंच के लिए चला जाता था। नोबडी, प्रत्येक आदमी लंच के लिए गया होता था और नोबडी विल नो, सोचता है कोई नहीं जान पाएगा। शंकु रिमेम्बर्ड ही प्रिफर्ड, शंकु को याद करता है ही रिफर्ड अपने प्रयासों के विषय में, और ही कावर्ड अपनी कायरता के विषय में, एंड ही वैसिलेशन अपनी हिचकिचाहट के विषय में। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डे, पिछले कुछ दिनों से, ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट द टाइम, उसे कभी किसी को नहीं देखा था उस समय, लंच के समय कोई वहाँ रहे, किसी को नहीं देखा था। विकास ही वॉज ट्राइंग ऑलवेज टू स्टील वॉज बाई एनी मीन्स, दिस वॉज द मेन रीजन ही वॉज वॉकिंग, ही वॉज सर्चिंग आउट द ट्राइंग पाथ फॉर स्टीलिंग। सो ही वॉचड एट दैट टाइम, ही यूज टू वॉच एट दैट टाइम हाउ मेनी पर्सन आर प्रेजेंट हियर एट द लंच टाइम। सो ही केम टू नो दैट देयर वॉज नोबडी एट दैट टाइम ऑफ इन एट डिजर्टेड ऑफिस रूम। एंड इट ही हैड बीन ऑफर्ड, फिर आ जाओ ऊपर, एंड इट ही हैड बीन ऑफर्ड, ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट बीसलेस, वह कांप जाता था। एंड फेल्ट बीसलेस, लगता था अनुभव का था सांस रुक गई, क्योंकि गरीबी का प्रभाव। दैट वॉज वाई, यही कारण है ही हैड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, वह रुक जाया करता था। रिफ्रेन के बाद उनको ईशान आता है काम, वो रुक जाया करता था टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, हर समय घड़ी लेने से रुक जाया करता था, चुराने की बहुत प्रयास करता था। तो ये इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब उसे इसे लंबे समय तक रखी नहीं रहने देना चाहिए था। इट वुड नॉट डू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इसे लंबे समय तक रखी नहीं रहने देना चाहिए था। इफ ही थॉट एनी फर्दर, अगर आगे और सोचता तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो कुछ काम नहीं कर सकता था। ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, कोई कार्य नहीं कर सकता था। ही माइट ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, ही माइट इवन ब्लर्ट आउट, यहाँ तक पक सकता था। ही इंटेंशन को, अपने इरादे को एक्सीडेंटली माने अचानक, एक्सीडेंटली दुर्घटना बस या अचानक। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसे अनिवार्य रूप से उसे कह दे लेना चाहिए। सपोज ही डिड नॉट, मान लीजिए नहीं चुराता, तो क्या होगा?
Sanku thought began to linger over his thorny problem of his life. अब शंकु के विचार बिगेन टू लिंगर घूमने लगे, मच्छी पकना होता लिंगर और मराने लगे, घूमने लगे थारनी प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की कटीली समस्याओं के ऊपर, कटीली समस्याओं पर कही थी, जैसे कांटा चुभता है उस प्रकार प्रॉब्लम की होती हैं। टुमारो वुड बी द थर्ड ऑफ द मंथ, कल जो है महीने का तीसरा दिन होगा। इन अदर थ्री डे, अगले तीन दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे उसका बेटा नहीं मिलेगा। 13 rupees for 13 days, 13 दिन का 13 रुपए। ही हैड टू पे 4.5 rupees, उसे 4.5 था 4.5 रुपए, फॉर परचेज एट द स्टोर, उस खरीदारी के लिए स्टोर में किराना की दुकान में जमा करना था जिसकी उसने खरीदारी की थी। तो ही हैड पे उसे चुकाना था 4.5 rupees, 4.5 रुपए, फॉर परचेज खरीदारी के लिए एट द स्टोर, जो किराने की दुकान में से खरीदा था, जो स्टोर से भंडार से सामान लिया था। देयर वुड बी बैलेंस एट एंड हाफ, ऐसी स्थिति में बकाया कितना बचेगा, 8.5 रुपए, एट एंड हाफ 8.5 रुपए। ही हैड रिपेड ओनली 5 out of 10 rupees, ही हैड रिपेड, उसे फिर से चुकाना था 5 rupees out of 10 rupees, 10 रुपए में से 5 रुपए चुकाना था। ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, जो उसने उधार लिया था फंड कोष से, द प्रीवियस मंथ, पिछले महीना, टू गो होम फॉर मदर्स डेथ एनिवर्सरी, क्योंकि अपनी माँ के बरसी में जाना था, मजदूरों के पास पैसा नहीं रहता, किसी वजह से पैसा नहीं रहता, तो विशेष कोष होता है, फ्रॉम दैट फंड यू कैन टेक द मनी, यू कैन टेक लोन ऑफ द मनी। सो ही हैड टेकन 10 rupees टू फॉर गोइंग टू इन द एनिवर्सरी ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की बरसी डेथ एनिवर्सरी में जाने के लिए उसने कितने लिया था, 10 रुपए लिया था। नो, ही मस्ट 5 रुपए चुकाया था। ही हैड रिपेड ओनली 5 out of 10 rupees, उसने 10 रुपए में 5 रुपए चुकाया था। ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, जो उसने पिछले महीने लिया था, अगर घर अपनी माता की मृत्यु के बरसी में गया था, तो नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विद इंटरेस्ट एट 6 paise rupees, उसने कहा नहीं, ही मस्ट पे वैन अनिवार्य रूप से उसे चुका देना चाहिए रिमेनिंग 5 रुपये, जो शेष 5 रुपए हैं, बिन इंटरेस्ट ब्याज के साथ 6 paise rupees a week, 6 paise rupees a week माने एक सप्ताह में 1 रुपए के 6 paise के ब्याज के हिसाब से उसे चुकाना था। एट द टी शॉप चाय की दुकान में ही ओड ओवर 3 rupees for 2 weeks, वह 3 रुपए का रेडी था 2 सप्ताह, अर्थात कुछ लोग क्या दे हैव नॉट सफिशियंट टाइम, दे हैव नॉट फैसिलिटी टू गो टू होम, दिस इज द रीजन दे टेक ऑर्डिनरी लंच, ऑर्डिनरी थिंग्स सच लाइक टी एक्सेट्रा। तो एक टी साहब चाय की दुकान में जाया करता था, ही वुड ओवर 3 rupees, वहाँ 3 रुपए उसके पड़े थे 2 सप्ताह के, बिसाइड प्रीवियस एरियर, इसके अलावा प्रीवियस अमाउंटिंग, पिछला बकाया अमाउंटिंग 1.5 rupees, 1.5 रुपए पड़ा था उसका, अर्थात लोग कहते हैं कि देखो इस बार 1.5 रुपए रह गया है, अगली बार दे देंगे, इस बार जो है पैसा की व्यवस्था नहीं हो पाई तो मान जाते हैं लोग, तो 1.5 रुपए पिछला देना था। ही ओड 6 rupees टू अली, उसे पर कितना ही 3 रुपए उसके 2 सप्ताह के इधर के थे और 1.5 रुपए पीछे के थे, तो इस प्रकार ही ओड 6 rupees टू अली और 6 रुपए अली से लिया था उसने, 6 रुपए रही थाली का फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, क्योंकि अतिरिक्त चावल खरीदा था, आते देखो लिमिट होती कि हमें इतना चावल खर्च करना है, हमें इतना गेहूँ खर्च करना है, इतनी दाल खर्च करना है, जब इसका आप खर्च करेंगे बाई एनी का यू आर डू एनी काइंड ऑफ फंक्शन आर एनी अदरवाइज आर एनी आर सप्लाइंग एनी काइंड ऑफ फंक्शन आर आर सपोर्टिंग एनी फैमिली अदर फैमिली मेम्बर्स आर यू वेलकमिंग द गेस्ट एक्सेट्रा एट दैट स्टेज यू टेक्स यू बाय सम मोर। तो क्या किया था उसने, बिसाइड प्रीवियस एरिया, फिर क्या हुआ कि 6 रुपए अली के लिए था सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, क्यों अतिरिक्त चावल उसने खरीदा था, विशाल बीड़ी का खर्च था और अदर 8 साइन इधर उधर की चीज़ें और खरीदा था, 1 month हाउस रेंट, तो 6 रुपए तो अली का कर्जा था, 1 month हाउस रेंट वाज 3 rupees और 1 महीना का घर का किराया 3 रुपए देना था। इन एडिशन टू दिस सम, इन धनराशियों के अतिरिक्त ही हैड टेकन स्मॉल लोन, उसने जो छोटे छोटे कर्ज ले रखे थे 12 paise, 12 paise का, 25 paise, 25 paise का, 50 paise, 50 paise का,
फ्रॉम सेवरल पीपल, बहुत से लोगों से, एंड हिज वाइफ है रिमाइंडेड, और उसकी पत्नी ने याद दिलाया था हिम उसे 2 डेज बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड, कि उसे 1 रुपया चुकाना है। द फिशरमैन, मछली वाली जो महिलाएं मछली जो बेचने आती है उसका 1 रुपया उसे चुकाना है, ऐसा उसकी पत्नी ने बताया था। संगु में तो देखो कुछ लोग मछली खाते हैं, फैशन होता है, कुछ लोगों का रहन सहन होता है, तो डोंट वरी ऑल अबाउट ऑफ दिस मैटर दैट ईटिंग फिश इज नॉट सुटेबल, बट सुटेबल फॉर दो पर्सन हु गेट टेस्ट ऑफ इट। तो क्या है, तो शंकु मेंटली एडेड अप टू द टोटल अमाउंट, जो है शंकु मानसिक रूप से जो क्या किया, जोड़ा अ टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, कितने पैसे की उसे हो सकता। जैसे हमारे है कि मतलब जो है मछलियाँ जो मारी जाती हैं तो धन धन धनी जैसे वो क्या कर लेते हैं, 75% मछलियाँ ले लेते हैं और बाकी 25% में गरीब भेज लेते हैं, ऐसा आंकड़ा है। तो इसमें लोग जो क्या करते हैं, भोजन बचता है और इसके साथ साथ मजबूती आती है, तो दीज आर थिंग बाई विच वी कैन बी वी हैव टू लीड अवर लाइफ। तो व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट फ्रॉम जस्ट 8.5 रुपीज, ही वाज गोइंग टू गेट, पानी क्या जा रहा था 8 रुपये, आधा रुपये में 8.5 रुपये भी बचेंगे उसके, 4.5 स्टोर में जमा कर देगा, 13 रुपये पाना है तो 8.5 बचेगा। व्हाट ही ओड वाज 22 रुपीज एंड 30 पैसे, व्हाट ही वाज ओड, जो उसका ऋण कितने का था, 22 रुपीज 13 पैसे, 22 रुपीज माने 22 रुपये और 13 पैसे का ऋण था। ही हैड अदर नीड्स टू, उसके पास दूसरी भी आवश्यकताएँ थी, ही हैड बोरोड 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, उसे 3 रुपये अपनी पत्नी से लिया था। दिस वाज आउट फ्रॉम द, पैसा कहाँ से आया था पत्नी के पास, दिस वाज आउट फ्रॉम उस धनराशि से था, ही हैड स्लोली सेव्ड अप, उसे थोड़ा थोड़ा बचाया था, नाउ एंड देन यदा कदा इन ऑर्डर, इस व्यवस्था से टू बाई वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, ताकि बच्चे के लिए कमर, छोटे बच्चे के लिए कमर के लिए क्या धनी खरीद ले, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा बचाती गई थी वो। तो सी है से और उसे विश्वास दिलाया था हल्कू ने, शंकु ने उसे, दैट ही वुड बाई इट, खरीद देगा आउट ऑफ हिज पे अपने वेतन से, दैट मन जो अगले महीना वेतन मिलेगा, तो इस महीने का जो वेतन मिलेगा तो इस महीने के वेतन में जो क्या खरीद देगा, उसे चैन खरीद देगा। तो इस प्रकार अपनी पत्नी से भी उसने पैसा लिया था। तो इस माने इस बार जो पत्नी से उसे पैसा लिया था, तो उसे कितने पैसा लिया था, ही बार और 3 रुपये, 3 रुपये पत्नी से लिया था, उसकी उसे खरीद करके देना था। शंकु हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, अब शंकु का हृदय अनियंत्रित रूप से तेजी से धड़क, थ्रू हिज हार्ट बीट अपनी धड़कनों के बीच से, ही कुड हियर द हॉर्स वॉइस ऑफ टीसो ओनर को चुन्नी, वह सुन सकता था कठोर आवाज, टीसा ओनर चाय के मालिक को चुन्नी की कठोर आवाज, अली हालो लाफर अब अली की खोखली हंसी, एंड वल्गर वर्ड और भद्दे शब्द। तो पहले क्या है, क्या हॉर्स वाइज टी साप ओनर चाय पी गए पैसा नहीं ले रहे, जो बड़े जलवे से रहना चाहते हैं पर वहाँ से पूंजी नहीं है कुछ, कोचुन्नी क्या कह रहा है, बने धनी घूमते हैं, इस प्रकार ठहाका मार के हंसा था। तो एंड वल्गर वर्ड और कठोर शब्द क्या किया था, वो सहता रहता था, एंड द इरीटेटिंग टॉप लोनपन की क्रोध दिलाने वाली बात, हु वाज इंचार्ज ऑफ द फंड, जो फंड का अधिकारी था, अच्छा लोनपन जो अधिकारी था उसी के माध्यम से फंड निकलता था, फंड से पैसा निकलता जमा होता था, तो ले और देव तो उनका होता है, तो वो शब्द कुछ कड़े बोलते हैं, बिकॉज ही वॉज सिंगिंग दैट इज वर्कर एंड ही हैड टू पे बाई एनी मीन्स, तो इसे अपनी प्रोग्रेस समझते हैं, तो इसे क्या करते हैं कठोर शब्द, इरीटेटिंग टा क्रोध दिलाने वाली बात, लेकिन मजबूरी है क्रोध कर दिखाएंगे तो नुकसान हो सकता है। ही फेल्ट उसने अनुभव किया दैट ही वेयर ऑल सराउंडिंग हिम, क्यों सभी लोग घेरे हैं उसे, लाइक राडी बॉयज पादरी लड़कों की तरह है, आर्म विद स्टिक जो हाथों में लठियाँ लिए हों, गैदरिंग अराउंड चारों एकत्र हो गए हों, एक स्ट्रेडा एक भटके हुए कुत्ते को चारों से घेरे हों, कुत्ता भटक कर आ जाए किसी गांव में किसी जगह आ जाता है, शरारती बच्चे लगे लाठी चारों से घेर लेते, इधर जाओगे मारेंगे, इधर जाओगे मारेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट दैट टाइम दैट हाउ डॉग पास फ्रॉम दैट प्लेस। तो हाट हारे बेसिन कितना भयानक ग्रस्त होता है, तो इसमें दिखाया गया है कि मतलब कितना भयानक ग्रस्त होता है, मतलब कितना भयानक जैसे काम हो किया गया है कि चारों कर्जदार हैं, रायता की बातें सुनने को मिलती हैं, फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इसे असहनीय पाते हुए शंकु टार्न हिज स्टमक,
शंकु जो है टर्नओवर इस अपने पेट के बल लेट गया एंड थर्ड सोचा आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं है बट टू पिक इट अप टुमारो, लेकिन मुझे इसे कल चुरा ही लेना। विल इट नॉन, मान लीजिए नहीं चुराता, विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज, मान लीजिए विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20 रुपीज, क्या इससे 20 रुपये ना मिल जाएंगे, इवन 15 विल, अगर 15 रुपये भी मिल जाएंगे तो काम चल जाएगा। 15 + 8.5, 15 में 8.5 रुपये बचना था, पर 15 + 8.5 माने दैट इज 23.5 रुपीज, माने 23.5 कितने हो जाएंगे 23.5 रुपये हो जाएंगे, 15 रुपीज और 1/2 रुपीज माने कितने होगा 15.5 रुपये और 23 रुपीज माने क्या होता है 23 रुपीज और 1/2 रुपीज हो जाएंगे 23.5 रुपये, इट विल फेच मोर देन 15। लेकिन ये समझता था कि सोने की जंजीर है, सोने की घड़ी, इसका मतलब ये है तो उससे ज़्यादा मिल जाएगा। ही कुड बी एबल टू पे हिज डेट, तब वो अपने ऋणों को चुका देगा एंड लिव पीस शांति से रह सकेगा, ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेट, एक कर्ज मुक्त जीवन में रहेगा, विद फीलिंग ऑफ रिलीफ, इसी भावना के साथ ही डिप्टेड इन टू लाइट स्लीप, वह चला गया कहाँ लाइट स्लीप, हल्की से सो गया थोड़ा सा। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का समय था, पत्नी आई, व्हाट आर यू स्टिल स्लीप, क्या आप अब भी सोए हैं, शंकु वाइफ से, शंकु वाइफ ने कहा जेंटली नरमता के साथ, शेकिंग हिज शोल्डर, उसे कंधों को हिलाते हुए कहा क्या आप अभी सोए हैं। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूरज को कि बहुत लंबा समय हो गया, इट लॉन्ग आफ्टर सन, सूरज को कि बहुत देर हो गई, शंकु रेज ही हेड एट वंस, शंकु ने तुरंत अपना सर उठाया, हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी ने उठा लिया छोटे बच्चे को, हुआ क्रॉलिंग अप टू हर, जो उसकी ओर आ रहा था, जो उसकी ओर बच्चा आ रहा था तो उसको उठा लिया एंड आज शंकु, और शंकु से कहा डोंट यू हैव टू गो वर्क टूडे, डोंट यू हैव टू गो वर्क टूडे, क्या काम में नहीं जाना क्या, डोंट यू हैव, क्या आपको काम में नहीं जाना, ओह यस सर यहाँ जाना है, ही सेड बोला एंड गॉट आउट ऑफ बेड, अब बिस्तर से बाहर निकल गया, ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड, ही स्टेप डाउन इन कोर्ट यार्ड, वहीं आंगन में गया इन हरी सीखता के साथ, वॉचिंग द गोल्डन रेज, देखते हुए सुनहरी किरणों ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूर्य की सुनहरी किरणें थी, पारसिंग द लुस जो बेदती बेद कर जा रही थी, लुस माने घने बम्बू फोलिए माने बांस के पत्तों को, घनी बांस की पत्तियाँ थी, बेद करके जाती थी अंदर स्टर्न साइड पूरब की ओर से एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ है, और चमकाती थी पुराने ताड़ के पत्ते वाले, ताड़ के पत्ते का छप्पर बना था आगे तो उसे पहुँच जाती थी, अर्थात जब घड़ी नहीं होती तो लोग इस प्रकार बनाए रहते हैं कि यहाँ धूप आ जाएगी तो हमारे जाने का समय हो जाएगा, तो उसने सोचा ही वासी पे तुरंत चेहरा धोया, मुँह धोया, हैंड हाथ धोए, जो जैसे समान रूप से धोता था, पुटान ही वर्किंग क्लास, अपने काम वाले कपड़े पहने, आवाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और फैक्ट्री के लिए छोड़ने वाला था, जाने वाला था, फोन ही वाइफ से, उसकी पत्नी ने कहा लिसन, सुनो यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट, सुनो यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए कुछ मरहम ले आना, सी थ्रू ए कमांडिंग लुक एट हिम, उसे फेंका देश भरी दृष्टि उसकी ओर कि बच्चे के लिए कुछ मरहम ले आना, शंकु फेल्ट दैट ईच सोर ऑफ द चाइल्ड फेस्टरिंग बॉडी, शंकु ने अनुभव किया कि ईच ऑफ द सोर, प्रत्येक फोड़ा ऑफ चाइल्ड फेस्टरिंग बॉडी, शरीर बच्चे के फुंसी वाले शरीर में, जो फुंसी थी कहीं फोड़ा गया थे, बच्चे की फुंसी वाले शरीर में प्रत्येक फोड़ा वाज स्टेयरिंग एट हिम, उसकी ओर घूर रहा था इन ग्रूसम वे, बड़े ही भयानक ढंग से, ए मोमेंट पास, एक क्षण बीता इन साइलेंट शांति में, तो कहते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ अपॉइंटमेंट, किस प्रकार का मलहम, शंकु ऑफ लाइक ए फूल, शंकु मूर की तरह पहुंचा, बिकॉज ही हैड बिकम डिस्टर्ब, ही हैड नॉट मनी, हाउ ही हैड लीड ही बाय अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट फॉर सोर, मलहम फोड़ों के लिए मलहम, कंटिन्यू वाइफ ने जारी रखा, यू मीन आपका मतलब है यू हैव नॉट सीन द सोर ऑल ओवर द चाइल्ड बॉडी, कि आपने फोड़े नहीं देखे ऑल ओवर चाइल्ड बॉडी, के बच्चे पूरे शरीर में पड़े हैं फोड़े, उनको आपने नहीं देखा है, यस हाँ देखा है, हाउ मेनी पैसे वर्थ अपॉइंटमेंट, कितने पैसे का मरहम चाहिए, एट लीस्ट 30 पैसे वर्थ, कम से कम 13 पैसे के चाहिए, उस समय 13 पैसे की बंद, बी मस्ट अप्लाइड फॉर 3 डेज एट लीस्ट, हमें लगाना पड़ेगा कम से कम 3 दिन, हम मानी क्या होता है, अच्छा शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट हेड, अब शंकु अपना सर झुका कर चल दिया, बिगेन टू वन चल दिया, चलने लगा प्लीज, अब कह कृपया अब अपना स्वार्थ स्वयं का काम है तो आवाज़ नरम हो गई, प्लीज सी कॉल डाउट इन सॉफ्ट वॉइस, नरम आवाज से कहा शंकु लुक बाई, कृपया सुनो, उसे ऐसे कहा सुनो, शंकु लुक बाई, शंकु ने पीछे देखा,
सी स्पोक जेट भी बड़ी नरमता से बोली, प्लीज ब्रिंग टू बनाना, कृपया दो केले ले आना। व्हेन यू कम बैक इन इवनिंग, जब शाम को आना तो दो केले ले आना। द बेबी स्टार्ट क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात में रोने लगता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं रहता। हाँ, तो सी स्टूड देयर पुलिंग अप हिज ब्लाउज, वह खड़ी थी पुलिंग अप हिज ब्लाउज, अपने ब्लाउज को ऊपर उठाती हुई। इस समय हाफ महिलाएं ब्लाउज पहनती हैं, पहले फुल पहनती थीं। तो सी स्टूड पुलिंग अप हिज हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, खुजली उठी होगी तो ऐसे ब्लाउज थोड़ा सा खुजलाने की तरफ उठ गया। सी स्टूड देयर, वह खड़ी थी वहाँ ऊपर ब्लाउज को जो उठाते हुए खींचते हुए विद हर लेफ्ट हैंड अपने बाएँ हाथ से। जैन शंकु नोटिस, शंकु ने ध्यान से देखा हर वेरी बल्जिंग आउट की, इनका जो पेट है आगे बढ़ा हुआ है, पेट जो है फूला हुआ है, पेट आगे बढ़ा हुआ है। वाज ने नादर बर्डन आन द वे, क्या दूसरा बोझाने वाला है मेरे रास्ते में। शंकु वाज स्टन, शंकु स्तब्ध रह गया। धनी के बच्चा होगा खुश हो जाते, लड़का हो रहा है, बच्चे पट्टी हो रही है, लेकिन अब गरीब के है तो कैसे समस्या होगी। हाँ, तो इस प्रकार ही कर्स हिमसेल्फ, उसे क्या किया तो ही कर्स हिमसेल्फ, उसे अपने आप को जो है कोसा। एंड विद डीप साई, और गहरी कराह के साथ ही रिज्यूम्ड हिज वर्क टू फैक्ट्री, वह फैक्ट्री के लिए चुना चल गया। तो हियर वी फाइंड दैट शंकु हैज ए बी फैमिली, दिस वॉज द मेन रीजन ही कुड नॉट बीट बेटफुली। इवन दैट स्टेट ही कम कम्पेल टू स्टील द गोल्ड वॉच ऑफ द इंजीनियर, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। पीरियड वॉज ऑनेस्टी अनहेस्टियर है, इंजीनियर है, फुल कॉन्फिडेंस दैट हिज स्टील ही वॉज कैन नॉट बी स्टोर इन, नो बडी कैन थिंक अबाउट इट स्टेडी। दिस वॉज मीन रीजन ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड विंडो वॉज हाफ ओपन। एंड स्पेशल थिंग इज गिवन इन दिस लेसन, इफ एनी ऑफिसर विल बी एट द गेट देयर विल बी पिन, बट देयर वॉज नो प्यून बिकॉज नॉट वेस्टेड ऑफ एनी वर्कर, बट दे वॉन्ट यूटिलाइज एवरी वर्कर ऑफ एवरी पर्सन, सो इंजीनियर क्लोज द डोर, शट द डोर इंजीनियर एंड वेंट अवे। There was no need for any union, etc. or worker, etc. So in this way, this position was seen shown by him. And Shanku tried, and Shanku stole also. But he found that somebody has seen to him. So this was the main reason he was thinking that cinder is burning into his pocket, and he will be caught at the gate. He will be insulted by 800 workers. When he became to know that he is a thief, there was a person barking. He stole only old umbrella was dismissed from the service from his work. So while he was stealing the watch of the engineer who is boss and manager of the company, it would be suitable that he would be dispelled at once and his life will become in darkness. So this was the problem. So he thought at that stage he became compelled to put that watch at that place. So. And this was the end of the story, and this ends that we should not spread our family, but family should be well planned. That's all for today.